हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी की। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। यानी कि हिंदी पैडागोजी के जो 15 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं, वो इस एक वीडियो से कंप्लीट आपके होने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ, ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, और बहुत सारे मुख्य पॉइंट्स जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, वो भी सारी चीजें इसमें कवर होने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, और 15 नंबर गारंटी से लिख के इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाने वाला हिंदी पैडागोजी का इस एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको पूरा देखें। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। उसके अलावा ये भी टॉपिक्स हैं, मुख्य बिंदु हैं आपके। ये वो लाइंस हैं जो आपको एज इट इज ऑप्शन में देखने को मिलेगी। यही लाइंस आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी, तो बिना पढ़े भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर ये लाइन ऑप्शन में है तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको किस तरह से होगा, ठीक है, सारी चीजें। उसके अलावा यहाँ पे हमने बहुत सारे मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं। भाषा विविधता हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री हो गया, तो सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। आकलन हो गया, आकलन से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं हिंदी पैडागोजी में और में भी आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टैक्स है कि अगर कक्षा में खेल के बारे में प्रश्न आता है तो कौन कौन से ऐसे शब्द होंगे जिनको देख के आप आंसर सही लगा सकते हैं। अगर आपसे पहेलियों के बारे में या बच्चे की त्रुटियों के बारे में वगैरह प्रश्न बनते हैं, तो आप कौन से ऐसे शब्द होंगे जिनको देख के आप आंसर लगा सकते हैं। इनको सिर्फ पढ़ना भी है और हम समझेंगे भी कि क्यों ये आंसर जो है सही होते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आज इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें इसमें नई जुड़ी हैं जो कि आपकी ऑनलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी। जैसे कि हमारा 2021 का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है, तो अब हमारा जो 2022 दिसंबर का एग्जाम है ऑनलाइन होगा, तो उसको देखते हुए नई क्या चीजें सम्मिलित हो रही हैं सीटेट में, वो सारी चीजें इस वीडियो में इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक हैं आपके, उन्होंने भाषा को लेके, बच्चे के भाषा विकास को लेके क्या क्या बातें बोली हैं, पेवलोव ने, चॉम्स्की ने, वाइगोत्स्की वगैरह वगैरह, उनको भी सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही भरमार वाली होने वाली है, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जिन लोगों को भी करना चाहते हो। आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना चाहते हो, वहां पर लगा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से अब हर रोज आपकी नई वीडियो आएगी, एक सब्जेक्ट की एक वीडियो। उसमें इसी तरह से धमाकेदार पूरा कॉन्सेप्ट होगा, ट्रिक्स होगी, टैगवर्ड्स होंगे, सारे जो नए बिंदु हैं वो होंगे एक ही वीडियो में। यानी कि आपका 15 नंबर कंप्लीट एक वीडियो से होंगे। जैसे कि आपका CDP है तो 30 नंबर का पूरा एक वीडियो में। बहुत धमाकेदार वीडियोस आने वाली है आपकी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए आपको सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन को प्रेस रखना है। बहुत जबरदस्त आपका जो है बहुत कम वीडियो में पूरा सिलेबस करेंगे कवर, क्योंकि अब दिन कम बचे हैं, तो कम दिनों में लगभग 10 दिन से पहले पहले आपका सारा सिलेबस बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्लीट मैं आपको करा दूंगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो आज से ही रात को 8 बजे क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसमें ये कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे हमारे एग्जाम शुरू हुए थे 16 दिसंबर 2021 को और खत्म हुए थे 21 जनवरी 2022 को, तो हमारे 25 पेपर हुए थे 2021-22 वाला जो पेपर हुआ है ऑनलाइन एग्जाम वाला, तो उन 25 पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल, वो केवल एक वीडियो में, एक सब्जेक्ट की एक वीडियो आएगी। जैसे कि आज रात को 8 बजे होगी हिंदी पैडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो, तो उसमें चाहे वो 2 घंटे की वीडियो बने या 3 घंटे की बने, उसमें सारे प्रश्न एक ही जगह आपको कवर करके समझाए जाएंगे और उनके आंसर बताए जाएंगे पूरे तरीके से। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके समाप्त हो जाएंगे, तो आपको अलग अलग वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि कौन से पेपर में क्या था। तो एक सब्जेक्ट की एक वीडियो धमाकेदार होगी। अब इस तरह से आपके बम्पर लेके चलेंगे, पूरा सिलेबस आपका 10 दिन के अंदर खत्म और सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से पास होगा, गारंटी से होगा, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से करेंगे। नई चीजें टैग वर्ड्स के लिए भी मैं एक फुल फ्रेम वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट के जो नए पैटर्न पे हैं, पुराने नहीं, नए पैटर्न पे जो अब जो पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग टैग वर्ड्स, ट्रिक्स, जितने भी टैग्स बनेंगे मोस्टली नए से नए, वो सारे कंप्लीट करके एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ बहुत जल्द, कल या परसों में या तरसों में, उसको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, तो उसको मैं आपको देने वाला हूँ। वो वीडियो आपको बिल्कुल बहुत आसान कर देगी, मतलब 50% पेपर तो आपका चुटकियों में। अगर 2.5 घंटे का पेपर होता है तो आप इस बार जो है 1.5 घंटे में फाड़ के आओगे। बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार मैं बना रहा हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट। लेट में हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे साथ क्या क्या दुर्घटनाएं हुई हैं इस बार, बहुत बुरे वक्त से मैं गुजरा हूँ, लेकिन जो भी हुआ छोड़ो, फालतू की बातें नहीं करते, अब जो होगा वो अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को।
तो सबसे पहला टॉपिक हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा है हिंदी पेडागोजी में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, दोनों का मतलब भाषा सीखना ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, अब कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो जो बेस है वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बेस ये है कि जो भाषा अर्जन है वो भाषा जो विद्यालय जाने से पहले बच्चा सीखता है वो भाषा अर्जन के अंदर आती है। क्या समझे? बच्चा स्कूल जाने से पहले, यानी कि उसको कोई सिखा नहीं रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल जाने से पहले जो बच्चा सीखता है, बच्चा बोलना समझना सीख जाता है ना। जब हम बच्चे को विद्यालय लेके जाते हैं, ऐसे हमारा ऑप्शन भी आता है कि बच्चा जो है स्कूल जाने से पहले अपनी मातृभाषा को सीख लेता है, बोलना और सुनना। लिखना पढ़ना नहीं सीखेगा, लिखना पढ़ना जो सीखेगा वो स्कूल जाके सीखता है, लेकिन बोलना और समझना सीख जाता है। तो स्कूल जाने से पहले जो भाषा सीखी जा रही है वो भाषा अर्जन है। अब वो भाषा उसकी मातृभाषा होगी। अब मातृभाषा जो है वो अलग अलग एरिया में कोई भी हो सकती है, जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। अब हम चेन्नई में तमिल में जाएंगे तो हम वहां पे उनकी मातृभाषा तमिल है, मलयालम है, इसी तरह से गढ़वाली है, इसी तरह से बहुत सारी भाषा है ना। महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी है। तो जो भाषा घर में बोली जा रही है बच्चे के, वो मातृभाषा है और वही बच्चा सीखेगा। तो स्कूल जाने से पहले जो बच्चा भाषा सीख रहा है उसका अर्जन हो रहा है, उस प्रक्रिया को अर्जन कह रहे हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को अर्जन कह रहे हैं। ठीक है, अब सीखने पर अगर हम बात करें तो शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या? ग्रहण करना, यानी कि एक्वायर्ड करना, और एक्वायर्ड से ही बना है एक्विजिशन। ठीक है, और लर्निंग का मतलब आपको पता ही है, जब हम किसी चीज को पूरी प्लानिंग के साथ में सीखते हैं। तो जो भाषा बच्चा स्कूल जाने के बाद सीखता है उसका क्या होता है, उसका अधिगम होता है, यानी कि वो बच्चा सीखता है किसी सिस्टम के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा, एक पूरी उसका जो है सिस्टम होता है। अब बात करते हैं आगे। पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया कि भाषा अर्जन जो होगा वो स्कूल जाने से पहले होगा, और अधिगम जो होगा वो स्कूल जाने के बाद होगा। ठीक है, उसके अलावा हमने ये भी बात कर ली कि जो अर्जन हो रहा है वो मातृभाषा का हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा कवर हो गया, मातृभाषा का हो रहा है अर्जन, मातृभाषा का। अब अगर हम अपनी ही मातृभाषा को व्याकरणिक रूप से सीखें, ध्यान से समझना बात को, हमारी मातृभाषा हिंदी है और उसी को जब हम व्याकरणिक रूप से शुद्ध रूप से सीखते हैं तो उसको हम कहते हैं मानक भाषा। क्या कहते हैं? मानक भाषा। अभी जो हम बच्चा घर पे जो भाषा सीख रहा है उसको ये नहीं पता कि कौन से शब्द को कहाँ यूज करना है, या वो कौन से टेंस का वाक्य है, वो भूतकाल है, प्रेजेंट है, क्या कुछ भी नहीं पता, व्याकरण नहीं पता बच्चे को, लेकिन फिर भी वो भाषा बोल भी रहा है और समझ भी रहा है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमारी भाषा हिंदी है तो हम शुद्ध भाषा नहीं बोल पाते जब तक हमने वो सीखी ना हो। जब बच्चे की अगर हम बात करें, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हमारे जैसे पूर्वज हैं जिन्होंने जो स्कूल नहीं गए ज्यादा, तो वो भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी हिंदी क्या है, जो आसपास में बोली जा रही है, जो उनकी पुरानी लैंग्वेज है वही है, उसमें शुद्धता नहीं है। या हम खुद भी अपनी बात करें तो हम शुद्ध भाषा नहीं बोलते हैं। तो अगर घर में जो है अशुद्ध भाषा बोली जा रही है तो बच्चा भी अशुद्ध भाषा सीखेगा, वहां पे नए अच्छे शब्द यूज हो रहे हैं तो बच्चा अच्छे शब्द सीखेगा, यहां तक कि अगर घर में गालियां दी जाती है ना तो बच्चा भी गालियां देना सीखेगा, यहां तक कि बच्चे जब गाली देते हैं तो बड़े मजे भी लेते हैं, जो बड़े होते हैं घर के वो मजे भी लेते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसी चीज के ऊपर उसको डांट लगती है। अब यहाँ पे हम अलग जा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मली हम भाषा बोलना और सुनना सीख रहे हैं वो मातृभाषा जो होगी वो अर्जन हो गया। जब हम उसी के व्याकरणिक रूप को स्कूल में जाके सीख रहे हैं शुद्धतापूर्ण, तो उसको हम कह रहे हैं मानक भाषा। या दूसरी भाषा जब सीखते हैं उसको कहते हैं द्वितीय भाषा, तो वो भी क्या आएगा, उसका भी अधिगम ही होगा। अब वो द्वितीय भाषा कोई सी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। अगर मान लीजिए फॉरनर हम अमेरिका की बात करें तो उनकी मातृभाषा क्या है, इंग्लिश है। अगर वो हिंदी सीखेंगे तो हिंदी उनके लिए सेकेंड लैंग्वेज होगी, तो हिंदी का क्या होगा उनके लिए, हिंदी की लर्निंग होगी, अधिगम होगा उनके लिए। ठीक है, अब इसी तरह से उर्दू भी हो सकती है सेकंड लैंग्वेज, संस्कृत भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, मलयालम भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, कोई भी हो सेकंड लैंग्वेज, कोई भी हो। तो सेकंड लैंग्वेज का हमेशा क्या होता है, अधिगम होता है, सेकंड लैंग्वेज का कभी भी अर्जन नहीं होगा। ठीक है,
फिर आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं और वो पॉइंट ये है कि अभी अभी हमने बात की है कि बच्चा जो है अपने माँ बाप को सुन के सीख रहा है, या भाई बहन को या दादा दादी को, जो भी उनके घर में लोग हैं उनको सुन के बच्चा सीख रहा है। तो क्या होगा, उसको बच्चा जो है अनुकरण कर रहा है। अनुकरण का क्या मतलब होता है कि कॉपी करना या नकल करना, मतलब बच्चा दूसरों को सुन के वही शब्द जब बोलने की कोशिश करता है या बोलता है उसको क्या कहते हैं, इमिटेशन, अनुकरण। इंग्लिश में इमिटेशन, हिंदी में अनुकरण। तो जो भाषा अर्जन हो रहा है वो आपका अनुकरण के द्वारा हो रहा है। अब अधिगम की बात करें तो जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं या अपनी मातृभाषा की व्याकरण सीख रहे हैं तो वहां पर कौन पढ़ाएगा हमें, टीचर पढ़ाएगा, शिक्षक पढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमें जो अधिगम होगा वो शिक्षक के द्वारा होगा। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर है। अब अर्जन में क्या है, जब मातृभाषा की बात कर रहे हैं हम घर में, तो वहां भी बच्चों को कोई मेहनत नहीं करनी है, या बच्चा ये फोकस नहीं करता कि मैं भाषा सीखूं, वो ऑटोमेटिकली सीखता है, वो खुद से ही सीखता चला जाता है। या हम अपनी बात करें तो क्या हमने कभी हिंदी को सीखने की कोशिश की है, ये जब हम बच्चे थे तो हमने कभी ऐसा थोड़ा किया कि हाँ हमें हिंदी सीखनी है या अपनी भाषा सीखनी है, हम खुद से ही सीख गए, हमें पता भी नहीं है कि हमने कब सीखी है। तो ये क्या होती है, जो अर्जन होता है वो स्वाभाविक होता है, सहज होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट आप नोट करते रहना, क्योंकि यही वर्ड आपको क्वेश्चन के आंसर में, ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, सेम यही वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन जब बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीखेगा वहां पे कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तो ये प्रयासपूर्ण होती है आपकी। यहाँ पे कोई औपचारिकता नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, जहां पे हम मातृभाषा सीख रहे हैं वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, वहां पे कोई आपकी ये नहीं है कि आपको एक साल के अंदर इतना सिलेबस कवर करना है, ऐसा भी नहीं है कि आपका एग्जाम होगा कि आपको भाषा आई है या नहीं आई है, तो वहां पे कोई सिस्टम नहीं है। कोई टाइम टेबल भी नहीं होता आपका कि हाँ आपको सुबह के 5 बजे से 7 बजे तक ही लैंग्वेज सीखनी है, या दोपहर को 10 बजे से 12 बजे तक सीखनी है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। बच्चा सोते जागते खाते पीते खेलते हुए सब जगह भाषा सीख रहा है, तो वहां पे क्या है, कोई सिस्टम नहीं है, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल या अनौपचारिक। लेकिन जहां पे सिस्टम होता है, अब हम स्कूल गए तो वहां पे एक सिस्टम होगा ना, वहां पे टीचर भी होंगे, वहां पे एक टाइम पीरियड भी होगा कि भाई 15 मिनट का या 20 मिनट का या 30 मिनट का आपका पीरियड है, इतने ही पीरियड में आपको बच्चे को ये भाषा सिखानी है। तो वहां पे एग्जाम भी होगा, वहां पे आपकी पाठ्य पुस्तक भी होगी, वहां पे नियम भी होंगे आपके, तो वहां पे क्या है, फॉर्मल होगी चीजें, तो वो क्या है, औपचारिक हो गई। यानी कि अधिगम जो होता है वो औपचारिक होता है आपका। ठीक है, पाठ्य पुस्तक होती है वहां पे, है ना, वहां पे भूमिका किसकी होगी, विद्यालय की होगी और टीचर की होगी, ज्यादा भूमिका विद्यालय की है और टीचर की है अधिगम में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं है कोई मातृभाषा सीखने में, और यहाँ पे किससे सीख रहे हैं, माता पिता से, परिवार से, पास पड़ोस से, अपने दोस्तों से या अपने भाई बहनों से, तो घर में सीख रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब इसके अलावा, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जो थोड़ा सा नया पॉइंट है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। इसका कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन एक नया पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा और ये किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो भाषा अर्जन है वो भाषा अधिगम के साथ साथ चलता रहता है। पॉइंट को ध्यान से समझना है, थोड़ा डीपली है लेकिन कोशिश करो समझने की। अभी हमने क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया, हमने इनके बीच में एक बॉर्डर लाइन खींच दी कि अर्जन जो है वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, अधिगम जो है वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, लेकिन इन दोनों में संबंध है। क्या, कि भाषा अधिगम के चलते हुए भी भाषा अर्जन होता रहता है। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। जो आपका अधिगम है, भाषा अधिगम है, वो आपका फॉर्मल हो रहा है, यानी कि एक घंटे की क्लास हुई हिंदी की, इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट की, एक घंटा टीचर ने पढ़ाया और पढ़ा के आपको चला गया। तो क्या भाषा बच्चा सिर्फ उस एक घंटे में ही सीखा है, उसके अलावा नहीं सीखेगा? उसके अलावा जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, या टीचर आपस में बात कर रहे हैं तो बच्चा उनको बात करते हुए सुन रहा है। अब वहां पे क्या है, बच्चे के अंदर जो है इनपुट जा रहा है उन शब्दों का, नए नए शब्दों का। जो बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो उनमें हो सकता है अलग अलग बैकग्राउंड के हों, एक बच्चा उनमें पंजाबी है, एक बच्चा गढ़वाली है और एक बच्चा जो है वहां पे हिंदी भाषी है, तो वहां पे कुछ पंजाबी के वर्ड बोलेगा जो पंजाबी बच्चा होगा, तो वो बच्चा सुन रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो भी तो एक्विजिशन हो रहा है, वो भी तो ग्रहण करना हो रहा है, वहां पे भी तो भाषा का अर्जन हो रहा है, वहां पे बच्चा कोशिश नहीं कर रहा है। जब बच्चे खेल रहे हैं आपस में, वहां पे कोई बच्चा ये कोशिश नहीं कर रहा है कि मुझे भाषा सीखनी है,
कोई कोशिश नहीं कर रहा है, वहां पे ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर शब्द आ रहे हैं और बच्चा उनको सीख भी रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको भी तो अर्जन कहेंगे। तो अर्जन जो है वो लिमिटेशन वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है 6 साल तक जो है अर्जन आपका खत्म हो गया, कि भाई 6 साल के बाद जो है बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया और उसका अर्जन जो है पीछे छूट गया और खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। अर्जन जो है वो हमेशा चलता रहता है, अधिगम जो है वो रुक सकता है, अधिगम का एक टाइम पीरियड होता है। अधिगम में अगर हम सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर में इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, हमारे 3 महीने का कोर्स है, तो हमारा एक जहां जिस डेट से स्टार्ट हुआ और 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो वहां पे अधिगम हमारा समाप्त। क्लियर आ रही है समझ में बात? कुछ मैं बहुत नई चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको जो किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। तो वहां पे क्या है, हमारा टाइम पीरियड है इसमें अधिगम में। लेकिन अब जब अगर हम बात करें, हम 20 साल के हैं और हम अमेरिका में घूमने चले गए या रहने चले गए कि हमें 5 महीने या 1 साल रह के आना है, वहां पे क्या आप ये कोशिश करते हो कि इंग्लिश को हमें सीखना है? कभी कोशिश करते हो कि हमें जो है वहां पे एक पाठ्यक्रम स्कूल में जाके इंग्लिश सीखनी है? नहीं करते। लेकिन जब आप 1 साल के बाद वहां से वापस आओगे ना, मां कसम इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे होंगे कभी आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। वो एक्विजिशन हुआ है, वो भाषा अर्जन हुआ है, अधिगम नहीं हुआ है। तो अगर आप 20 साल की उम्र में भी भाषा अर्जन कर रहे हैं तो ये कथन कैसे सत्य हो सकता है कि भाषा अर्जन जो है वो स्कूल जाने से पहले खत्म हो गया? कभी नहीं हो सकता। अब मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है मैं जानता हूं, लेकिन मैंने बहुत गहराई वाली बातें बताई है, ये चीजें आपको काम आएंगी। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए यहाँ पे बाकी अगर हम एग्जाम की बात कर रहे हैं तो जो पॉइंट हमारे सामने है उन पॉइंट पे ही हमें आंसर देना है। ठीक है, बाकी सिर्फ वो जो मैंने बात बताई है आपको वो एक पॉइंट है कि भाषा अधिगम के साथ साथ भाषा अर्जन भी चल सकता है या चलता रहता है। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल क्या है, जो हम वो स्किल्स जिनके द्वारा हम कन्वर्सेशन करते हैं, संप्रेषण बोलते हैं हिंदी में। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हिंदी वर्ड यूज करता हूँ, एक्चुअली हिंदी की क्लास है तो हिंदी वर्ड यूज करूंगा ही, क्योंकि जो एग्जाम आएगा वो भी हिंदी में आएगा। तो अगर आपको हिंदी के शब्द ही समझ नहीं होंगे या उनका अर्थ नहीं पता होगा तो आप कैसे आंसर लगाओगे? बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि हिंदी के वर्ड हमें समझ नहीं आते, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको शब्दों को थोड़ा सा लेके चलता हूँ हिंदी वाले, और उनका मतलब भी पता होना जरूरी है। तो हमारे जो कन्वर्सेशन में, हमारे संप्रेषण में, बातचीत में जो कौशल यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं। ठीक है, अब भाषा कौशल कौन कौन से हैं, 4 होते हैं हमारे। हमारा एक तो सुनना होता है, एक बोलना होता है, एक पढ़ना और एक लिखना। इन 4 के द्वारा जो है हम बातचीत करते हैं। सुन के हम दूसरे की बात को समझ रहे हैं, बोल के हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, पढ़ के क्या है, हम पढ़ के भी जो है दूसरे की कही हुई बातें, दूसरे की लिखी हुई बातें वो समझ रहे हैं। तो और लिख के क्या कर रहे हैं, हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये 4 क्या हो गए, ये हमारे बातचीत करने के तरीके हो गए या बातचीत करने के कौशल हो गए, 4 हमारे। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न इनको जो है 2 रूपों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं, एक है हमारा घृणात्मक कौशल और दूसरे हैं हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, अब इनकी अगर हम बात करें तो घृणात्मक का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, यानी कि हम किसी चीज को अपने अंदर डाल रहे हैं। या अगर मैं बात करूं, मैं दूध पी रहा हूं तो हम कहते हैं ना कि हम दूध ग्रहण कर रहे हैं या भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा हमने पढ़ा है बचपन में, भोजन ग्रहण करना। यानी कि कोई भी चीज जब इनपुट हम उसका ले रहे हैं तो उसको क्या कहें, ग्रहण, यानी कि उसको अपने अंदर लाना। अब इसमें क्या आएगा कि हमारा सुनना और पढ़ना 2 चीजें जो हैं वो घृणात्मक के अंदर आ जाती हैं। या इसको और सिंपल भाषा में बात करें तो वो इसके लिए जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सिंपल भाषा, हमें ज्ञान प्राप्त करना है या हमें कुछ चीज सीखनी है तो जिस कौशल के द्वारा हम ज्ञान को अपने अंदर प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे घृणात्मक हो गए। अब ज्ञान को प्राप्त कैसे करेंगे हम, या तो सुन के करेंगे या फिर पढ़ के करेंगे। जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, है ना, आप कुछ सीखने आए हो ना यहाँ पे YouTube पे, तो आप जो है मैं बोल रहा हूं आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो सुन के आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई हैं उसको आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के क्या है, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। या आप घर में आपकी पुस्तकें होती हैं उनको पढ़ के क्या है, आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप अपने स्कूल में जाते हैं, बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर की बात सुनता है, तो सुन के क्या है, हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी ज्ञान
ऐसा ज्ञान जो हम पढ़ के सुन के प्राप्त कर रहे हैं इनको क्या कहेंगे, घृणात्मक कौशल कहेंगे। दो चीजें घृणात्मक में आ गई। अभिव्यक्तात्मक का मतलब होगा अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस करना, यानी कि अपने विचारों को या अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। पहले तो हम अपने अंदर प्राप्त कर रहे थे, अब हम अपने ज्ञान को दूसरों को दे रहे हैं। तो अपने ज्ञान को दूसरों को कैसे देंगे हम, ये तो बता के देंगे, ये तो बोल के हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, ये फिर लिख के पहुंचाएंगे, है ना। आप सिंपल सी भाषा इसको समझ लो, अगर हम आपको जो है अपनी गर्लफ्रेंड को कोई बात बतानी है, आपकी गर्लफ्रेंड दूर रहती है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप फोन करेंगे उसको तो बोल के बताएंगे, या आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दो तो आप बोल के पहुंचा रहे हैं वहां पे, या आप मैसेज करोगे तो लिखोगे, ठीक है। तो लिख के क्या है, आप अपनी अभिव्यक्ति को या अपने मन की बात को या अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा रहे हो, या पेपर पे लिख के दे दो बातें की है, या किसी किताब में लिख के दे दो। तो दो ही तरीके हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के, और वो दो तरीके कौन से हैं, बोलना है और लिखना है। क्लियर है। तो आपसे सिंपल यही सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से घृणात्मक कौशल कौन से हैं, या फिर आएगा कि निम्नलिखित में से अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं। तो इन चारों में से आप देख के उसका आंसर लगा सकते हो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इन्हीं के बारे में जो है, भाषा कौशल के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भाषा कौशल जो है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। ये ऐसा का ऐसे ही ये लाइन सीधी जो है आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी, और इसको आप जो है देख के सही आंसर लगा सकते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट है कि भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं वो, इसलिए होते हैं क्योंकि ये चारों जो है वो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी बंदे को पढ़ना नहीं आता तो उसको लिखना भी नहीं आएगा, नकल कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे कोई हमने वर्ड लिखा तो वो उसको देख के एज इट इज बना सकता है, लेकिन उसको उसका अर्थ नहीं पता, और जब तक अर्थ नहीं पता उसको हम पढ़ना नहीं कहते। ये पॉइंट की बात है, अगर हम किसी भी लाइन को पढ़ के उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको पढ़ना नहीं कहते, उसको पढ़ना नहीं कहते। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मुझे संस्कृत भाषा नहीं आती और मैं संस्कृत भाषा को देख रहा हूं, लाइन लिखी हुई है कोई और मैंने उसको पढ़ भी लिया लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं पता, तो हम उसको पढ़ना नहीं कहेंगे, वो पढ़ने के अंदर नहीं आता। और यही बात जो है मैंने यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पर लिखी भी है कि पठन कौशल में सबसे जरूरी अर्थ ग्रहण करना है, और ये आपका एक टैगवर्ड भी है। जहां पे पठन कौशल की बात कर रहे हो, प्रश्न अगर पठन कौशल के बारे में है तो चारों ऑप्शन में जिस लाइन में अर्थ लिखा हो वो ऑप्शन राइट होगा 100 में से 100%। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 100 में से 100% गारंटी है पठन जो है सीधा, ये रट लो आप, पठन इज इक्वल टू अर्थ। अगर पठन के बारे में प्रश्न आएगा तो जिस ऑप्शन में अर्थ लिखा हो, चाहे वो किसी भी रूप में लिखा हो, वहां पे आपका वही ऑप्शन राइट होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। आगे हम बात कर रहे हैं कि भाषा कौशल जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। क्यों करते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा सुनता नहीं है जन्म से ही अगर बच्चा सुनता नहीं है तो वो बच्चा कभी बोलेगा भी नहीं। ये देखिए, अभी हमने भाषा अर्जन की बात की थी तो हम बात कर रहे थे ना कि बच्चा जो भाषा सीख रहा है वो सुन के सीख रहा है, माता पिता को भाई बहनों को बोलते हुए देख रहा है, वही शब्द उसके अंदर जा रहे हैं इनपुट के रूप में, और जब उसका वाक्तंत्र जो है मजबूत होता है तो उन्हीं शब्दों को बाहर निकालता है। जो सुना है वही बाहर निकालोगे, ये हमेशा रहेगा। हम अगर बात करें तो ऐसा कोई भी शब्द हम अपनी जबान से नहीं बोल सकते जो हमने कभी सुना ना हो या पढ़ा ना हो, या तो सुना होगा या पढ़ा होगा। ऐसा कोई भी शब्द हम अपनी जबान में, अपनी भाषा में या बात करते समय ऐसा कोई शब्द आ ही नहीं सकता जो हमने कहीं सुना ना हो या पढ़ा ना हो। तो जो बच्चे जन्म से ही सुनते नहीं है वो बच्चे कभी बोलते भी नहीं है। ये प्रैक्टिकली आप देख लेना, कभी डेफ उसमें जाना स्कूल में, बहुत सारे स्कूल होते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले होते हैं, वहां पे बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलते भी नहीं है और सुनते भी नहीं है, दोनों ही नहीं होंगे। तो ठीक है, तो एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं। अगर बच्चा जो है पढ़ने में कमजोर है तो वो लिखने में भी कमजोर होगा, सीधी बात है, ये सब एक दूसरे पे प्रभाव डालेंगे। उसके बाद बात करें तो भाषा कौशल जो है वो एक क्रम में सीखे जाते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सीटेट में ये बार बार आता रहता है और इसमें कंफ्यूजन रहता है कि क्रम से सीखे जाते हैं या नहीं सीखे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये पूर्णतः सत्य है कि भाषा कौशल जो है वो क्रम से ही सीखे जाते हैं। क्यों, इसका एक नियम है, और वो नियम है आपका
LSRW, ये शायद आपने कहीं पढ़ा होगा। अगर आपने बीएड किया है तो बीएड में ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया गया होगा। L4 होता है आपका लिसनिंग, S4 होता है आपका स्पीकिंग, R होता है आपका रीडिंग और आपका W होता है राइटिंग। अब ये क्या है, एक क्रम में चलते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कोई बच्चा अगर सुन नहीं रहा है तो वो बच्चा बोलेगा भी नहीं, तो ये क्रम है। अगर यहाँ पे ये जो है लिसनिंग अगर कैंसिल हो जाए तो आगे का कभी भी बढ़ ही नहीं सकता, इसीलिए उसको बाद में रखा गया है। अगर कोई बच्चा लिसनिंग नहीं कर रहा है तो स्पीकिंग कभी भी नहीं कर सकता, तो ये क्रम है। पहले बच्चा सुनना सीखेगा, जन्म हुआ बच्चे का वो सुनना शुरू किया, पहले बच्चा सुनना सीखेगा उसके बाद में बोलना सीखेगा, ये बिल्कुल सही क्रम है। उसके बाद बच्चा पढ़ना सीखेगा, बोलने के बाद ही तो पढ़ना सीखेगा। अगर बच्चे को बोलना ही नहीं आना तो पढ़ेगा कैसे, ये समझो बात को। तो बोलने के बाद ही तो पढ़ना सीख रहा है, जो रीडिंग आ रहा है वो आपका पढ़ने के बाद आ रहा है, और बच्चा रीडिंग के बाद ही लिखना सीखता है। अगर कोई बच्चा किताब को पढ़ नहीं सकता तो वो कभी लिख भी नहीं सकता। लिखने का क्या मतलब है, लिखने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे देख के उसकी नकल करना है, लिखने का मतलब है कि जो हमारे मन में विचार है उनको हम एक्सप्रेस करें। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप जो है समुद्र के ऊपर 10 लाइनें लिखिए, तो अगर आपके अंदर जो ज्ञान है उसको आप जो है लिखोगे तो वो आपके विचार हैं, आपके अपने शब्द होंगे। तो अगर आप जो है पढ़ना आपको नहीं आता है तो आपको लिखना नहीं आएगा किसी भी बच्चे को। तो ये चारों जो है एक क्रम में चलते हैं और ये बिल्कुल सत्य कथन है कि भाषा कौशल जो है वो एक क्रम में सीखे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं यहाँ पे। वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि ये पहला पॉइंट जो है और जो तीसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट कि भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। अब ये दोनों कथन सत्य है हमें पता है, लेकिन अगर किसी वजह से ये दोनों ऑप्शन एक ही प्रश्न में आ जाए, अगर दोनों ऑप्शन एक ही प्रश्न में, जैसे कि प्रश्न बनेगा कि भाषा कौशल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अब ये दोनों कथन आ गए, दो और आ गए इनके अलावा, तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में से पहले वाले को चुनना। इन दोनों की अगर तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पहला वाला है, ये अंतर संबंधित वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों एक ऑप्शन, दोनों एक ही प्रश्न आएंगे तो आप इसको चुनेंगे, इसको छोड़ देंगे क्रम वाले को। अगर अलग अलग आएंगे तो फिर तो दोनों सत्य हैं, अगर ये आ रहा है तो इसको सही लगा दो, वो आ रहा है तो उसको सही लगा दो, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि श्रवण कौशल जो है वो अन्य सभी कौशलों का आधार है, तो आप ये बात समझ गए हैं पहले ही, अब बातें आने की जरूरत नहीं है। देखिए लिसनिंग अगर शुरू में जो है LSRW अगर लिसनिंग नहीं हो रही है तो आगे के तीनों जो है खत्म है। तो श्रवण कौशल जो है, श्रवण मतलब सुनना, लिसनिंग, तो श्रवण कौशल जो है वो अन्य सभी कौशलों का आधार है। अगर श्रवण नहीं हुआ तो आगे का कोई भी नहीं होगा, तीनों में से कोई भी कौशल आपका आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब पांचवा पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पठन कौशल में अर्थ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मजा आ रहा है वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार, ठीक है, और शेयर भी जरूर करना ताकि सभी लोग जो है इससे फायदा उठा पाए। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को पूरा बनाने में, बहुत नई चीजें खोजनी पड़ती हैं पूरी किताबों से, कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, बहुत जगहों से सब चीजें मिला के जो है ये वीडियो बनाई जाती है। देखिए आगे बढ़ें तो भाषा विविधता, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सीटेट से बाहर कभी नहीं कर सकते, इससे जो है प्रश्न आपका आना ही आना है 100%। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें भाषा विविधता से प्रश्न ना आया हो, इस बार भी आएगा, लिख के आएगा। अगर 25 पेपर होंगे तो 25 में से 25 में आएगा, ऐसा भी नहीं है कि 20 में आ गया और 5 को छोड़ दिया, पूरे 25 में, 25 में से सभी पेपरों में आएगा। तो इसमें क्या है, भाषा विविधता का पहले तो मतलब समझ लेते हैं फिर प्रश्न पे बात करेंगे। मतलब ये है कि बच्चे जो हैं आपकी क्लास में, जैसे 30 बच्चे आए हैं तो वो 30 बच्चे जो है वो सब एक जगह से तो आएंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि सब हमारे पड़ोस के ही आगे हो, है ना। क्लास में जो है वो अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं। अब जब अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं तो उनकी मातृभाषाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि मान लीजिए शहरों में होता है कोई बच्चा आपका जो है
महाराष्ट्र से उठ के आपका यहाँ आके रहने लग गया, कोई बच्चा पंजाब से जो है उसके माँ बाप की नौकरी यहाँ लग गई हमारे क्षेत्र में तो यहाँ पे आ गए बच्चे, तो उसकी मातृभाषा तो पंजाबी है, और कुछ लोग जो है मान लीजिए दूसरी जगह से हैं तो उनकी मातृभाषा अलग होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब बहुत सारी भाषाओं के अलग अलग भाषाओं के बच्चे एक कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुभाषी कक्षा। क्या कहेंगे? बहुभाषी कक्षा, यानी कि हमारे जो छात्र हैं वो अलग अलग भाषाओं वाले अलग अलग मातृभाषाओं को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वहां पे हमें करना यह है कि हमें सभी की भाषाओं को जानना पड़ेगा। एक टीचर को सभी की भाषाओं की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आपकी भाषा मातृभाषा अगर पंजाबी है तो आप पंजाबी में बात नहीं करेंगे, आप मेरी कक्षा में हिंदी में ही बात करेंगे। अगर आपने ये बोल दिया तो आपका पत्ता कट है, यानी कि आप अच्छे टीचर नहीं हैं, ठीक है। और अगर आपने ये सोच के एग्जाम में आंसर लगा दिया तो आपका वो प्रश्न भी गलत है। तो यहाँ पे बेसिक दो चीजें निकल के आ रही हैं, और वो ये हैं कि पहली बात तो ये है कि आप बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करेंगे, वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, कोई भी उसकी भाषा हो, आप सभी बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करेंगे और उन सभी बच्चों की मातृभाषा को आप जो है स्वीकार करेंगे। इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि आप ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, ऐसी विधि का यूज करेंगे जिसमें सभी बच्चे उस भाषा को समझ पाए, यानी कि आप एक ऐसी भाषा में बात करेंगे जिसमें सभी भाषाओं के कुछ कुछ वर्ड सम्मिलित हों और आपकी जो बात है वो सभी बच्चे समझ पाए, और उसको कहते हैं बहु उपागम। क्या कहते हैं? तो हमारा जो है NCF 2005 में ये लाइन लिखी गई है कि हम पढ़ाते समय बहु उपागम पद्धति का इस्तेमाल करें। तो अगर कभी इस तरह का प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से आप एक बहुभाषी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का यूज करेंगे, तो क्या करेंगे? बहु उपागम विधि का इस्तेमाल आप बच्चों को पढ़ाने के लिए करेंगे। तो बहु उपागम भी हो सकता है, बहुभाषिक भी हो सकता है, बहु प्रणाली भी हो सकता है, ऐसे वर्ड चेंज हो जाते हैं लेकिन ये आपको अर्थ को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अब बहुभाषिकता का मतलब तो आप समझ गए हैं, विविधता का मतलब ये होता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे, तो विविधता का मतलब भी समझ गए हैं। अब मैं आपको बता दूं इसके फायदे क्या हैं या ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए मैं आपको चार पॉइंट बता रहा हूं और ये चारों पॉइंट ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो ऑप्शन आएंगे, चार ऑप्शन आएंगे, तो इन चारों में से एक ऑप्शन उसमें जरूर होगा, उस प्रश्न के चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनमें से होगा, ठीक है। और वो क्या क्या है कि भाषा विविधता जो है वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। कैसे? संसाधन के रूप में इसलिए कार्य करती है क्योंकि बच्चे जो है वो एक दूसरे से बातचीत करते समय एक दूसरे की भाषाओं के शब्दों को सीखते हैं, समझ लो। और उसके अलावा एक तो ये हो गया पॉइंट, दो पॉइंट है, मैं बहुत थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो फिर क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान होता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हुआ कि हमें जब हम किसी को पढ़ा रहे हैं जैसे कि हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें एक माध्यम की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि मैं अपनी बात आपको पहुंचा रहा हूं तो मुझे एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम क्या है? मेरी भाषा है, यानी कि आप भी हिंदी जानते हैं, मैं भी हिंदी जानता हूं, तो ये जो हिंदी है वो हमारा एक माध्यम हो गया आपस में ज्ञान को ट्रांसफर करने का। तो वही हम कह रहे हैं कि एक बच्चा जो है अगर पंजाबी बैकग्राउंड से आया है तो उसकी मातृभाषा क्या हुई? पंजाबी। अगर ऐसे बच्चे को आपकी क्लास में बिठा दिया जाए जिसको कोई भाषा ही ना आती हो, क्या जिसको भाषा आती ही ना हो, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? आप उसको कैसे समझाएंगे? या तो आप उसको इशारों में बात करेंगे भाई, थोड़ा ऐसे हाव भाव से, उसके अलावा तो कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन अगर उसको कोई भाषा आती हो तो आपको क्या मिला? एक संसाधन मिला, आपको एक संसाधन मिला कि हाँ ये तरीका है भाई, इसके द्वारा अब मैं अपनी बात इस तक पहुंचा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे की भाषा है वो आपके लिए एक संसाधन है कि आप अपना ज्ञान बच्चों तक पहुंचा दें, ये संसाधन है। इसलिए हम कहते हैं कि बहुभाषिकता जो है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है सभी बच्चों की, क्लियर है। मैं जरा एक मिनट पानी पी लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा।
तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वो ये है कि भाषा विविधता जो है वो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है। कैसे कि जो आपकी जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली बात कर रहे हैं कि जैसे एक बच्चे को अगर दो भाषाएं आती हो या तीन भाषाएं आती हो, यहाँ पे दोनों रूपों से बात करते हैं, तो वो बच्चा संज्ञानात्मक रूप से भी क्या होता है, आगे होता है और बच्चों की अपेक्षा। एक बच्चा ऐसा है जिसको केवल एक भाषा आती है और एक बच्चा ऐसा है जिसको तीन भाषाएं आती है, तो जिसको तीन भाषाएं आती होंगी वो बच्चा पहले वाले बच्चे के अकॉर्डिंग उसका संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ज्ञान को तीन तरीकों से ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए बहुभाषिकता जो है वो संज्ञानात्मक विकास को बढ़ा देती है। ठीक है, आगे बात करें तो बच्चों के अधिगम में वृद्धि करती है, तो ठीक ये बात भी सही है भाई, बच्चों को जितनी ज्यादा भाषाएं आती होंगी या आप जितनी ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे बच्चे उतनी ही जल्दी सीखेंगे, तो अधिगम में वृद्धि हो रही है और अन्य भाषाओं व नए विषयों को सीखने में मदद करती है। जैसे कि हमें हिंदी भाषा आती है तो अगर हम इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं तो हमारी हिंदी भाषा जो है वो अंग्रेजी सीखने में मदद करेगी। अगर हमें हिंदी भी नहीं आती तो हम अंग्रेजी को कैसे सीखेंगे? पहले हमें यही तो सिखाया जाता है कि भाई जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें बताया जाएगा कैट जो है उसका मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है। अब हमें बिल्ली का मतलब पता है तो हम उससे रिलेट करके समझ जाएंगे कि कैट का मतलब ये चीज है, ये जानवर है। ठीक है, अगर हमें यही ना पता हो कि बिल्ली क्या होती है तो हम कैट का मतलब कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमें एक माध्यम की जरूरत होती है, हमेशा किसी नई भाषा को सीखने के लिए हमें एक बेसिक भाषा की जरूरत होती है। तो नई भाषाओं को या नए विषयों को, जैसे कि मान लीजिए हमें गणित सीखना है तो गणित भी तो एक माध्यम की जरूरत होगी, आप या तो हिंदी में पढ़ाएंगे या फिर इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश जैसे बात करते हैं ना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, तो जो मीडियम वर्ड है वही तो माध्यम है भाई, हिंदी माध्यम उसी को तो कहते हैं। तो ये एक तरह से माध्यम के रूप में काम करती है, जब हम नए विषय को सीख रहे हैं तो उसको भी किसी ना किसी भाषा में सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलो ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, ऑप्शन भी बता दिए। इसके अलावा एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ बहुभाषिकता को सॉल्व करने की, वो इससे भी ज्यादा आसान है। और आसान ये है कि उसमें आपको एक खेल खेलना है पॉजिटिव और निगेटिव का। ध्यान से समझना, बहुभाषिकता जो होती है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो हमें इतनी बात तो समझ आ गई कि एक अच्छी चीज है, यानी कि इससे सारे फायदे ही हैं, बहुभाषिकता से कोई नुकसान नहीं है, है ना। तो यहां पे हम एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि ये पॉजिटिव है। तो जो चार ऑप्शन होंगे आपके, उन चार ऑप्शन में से आपको क्या करना है, अगर वो सही पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन में ये है कि बहुभाषिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें जिस ऑप्शन में निगेटिव वर्ड आ रहा होगा उसको छांटते हुए चले जाओ। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं होगा और वही ऑप्शन आपका राइट होगा, और वही ऑप्शन इन चारों में से कोई एक भी होगा। जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि बहुभाषिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब चार ऑप्शन है आपके पास। बहुभाषिकता टीचर के लिए चुनौती प्रदान करती है, बहुभाषिकता कक्षा में संगठन बनाने में जो है कठिनाई पैदा करती है, एकता बनाने में कठिनाई पैदा करती है। तीसरा ऑप्शन ये हो गया हमारा कि बहुभाषिकता जो है वो हमारी संस्कृति के लिए नुकसानदायक है। और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा कि भाषा विविधता जो है एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले ऑप्शन में चुनौती वर्ड आया है, एक निगेटिव वर्ड होता है चुनौती। दूसरे में कठिनाई आया है, वो भी निगेटिव वर्ड होता है ना। और तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था कि हमारी संस्कृति के लिए नुकसानदायक है, तो नुकसानदायक भी एक निगेटिव वर्ड है। तो तीनों ऑप्शन में निगेटिव वर्ड आ गए, उन तीनों को कट मार दो। चौथा ऑप्शन बचा संसाधन के रूप में कार्य करती है, संसाधन पॉजिटिव चीज है, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको कि तीन ऑप्शन जिनमें निगेटिव वर्ड आ रहे हों वो ऑप्शन कभी भी बहुभाषिकता के लिए सही नहीं हो सकता, जिसमें पॉजिटिव वर्ड होगा वो आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, ये चीज याद रखें। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, थोड़ा फास्ट चलते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा फास्ट चल लेते हैं। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री जिसको हम कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और टीचिंग एड्स भी बोलते हैं इसको। तो सहायक शिक्षण सामग्री जो है वो सामग्री जो हमारे पढ़ाने में पढ़ने में काम आ रही है, जैसे कि मेरा पेन है, जैसे कि ये बोर्ड है, जैसे कि मोबाइल भी है। अब मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो मोबाइल भी हमारा टीचिंग एड्स आएगा क्योंकि हम उसके द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो हमारी पुस्तक हो गई, हमारी जो है लैपटॉप हो गया, या हमारा चार्ट पेपर हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सब हमारी सामग्री हैं।
शिक्षण में मतलब टीचिंग में मदद कर रही है। अब इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, और वो तीन कौन सी है, दृश्य सामग्री यानी के विजुअल, जिसको हम यहाँ पे जो है देखने की बात कर रहे हैं, तो दृश्य सामग्री हो गई। दूसरी हो गई हमारी श्रव्य सामग्री, श्रव्य क्या है, ऑडियो। तीसरी हो गई हमारी दृश्य श्रव्य, ये श्रव्य दृश्य बोल दो, तो ये क्या हो गई हमारी, ये ऑडियो विजुअल हो गई हमारी, ठीक है। तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, अब इनको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं दृश्य सामग्री की यानी कि विजुअल एड्स की, तो हमें सीधा ये पढ़ाया जाता है या किताब में ये लिखा होता है कि वह सामग्री जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उसको हम दृश्य सामग्री कहते हैं, वह सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम श्रव्य सामग्री कहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, इसको हमें दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर हम इसी लाइन को लेके चलें तो देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब हम बात कर रहे हैं कि वे वस्तुएं, एक मिनट मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये बात कर रहे थे कि वे वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं उनको अगर दृश्य सामग्री कहें, तो फॉर एग्जांपल हमारे सामने जो है रेडियो है या एक लाउड स्पीकर है, तो वो लाउड स्पीकर जो है हम उसको देख सकते हैं, लेकिन क्या वो जो है वो एक दृश्य सामग्री है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो रेडियो है ये जो हमारा लाउड स्पीकर है वो हमारा क्या है, वो श्रव्य सामग्री है, उसको हम सुनते हैं, वो एक ऑडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जिन वस्तुओं के द्वारा देखकर सूचना या ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, उसको दृश्य सामग्री कहते हैं, ठीक है। और वह सामग्री जिनके द्वारा सुन के ज्ञान प्राप्त होता है या सुन के सूचना प्राप्त होती है उनको हम क्या कहते हैं, श्रव्य सामग्री या ऑडियो एड्स उनको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमारा जो है ये बोर्ड है आपके सामने, तो इसको क्या है, आप देख के इंफॉर्मेशन इससे ले रहे हैं, तो इसको देख के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ आपके लिए, ये एक तरह का दृश्य सामग्री हो गई आपकी। जैसे कि इसके अलावा बात करें तो हमारी पुस्तक, तो हमारी पुस्तक जो है उसको भी हम देख के उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो गई हमारी, वो भी हमारी दृश्य सामग्री हो गई। अब अगर हम बात करें एक उसकी, हम रेडियो की बात कर रहे थे या हम स्पीकर की बात कर रहे थे, तो उससे क्या है, हम सुन के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, श्रव्य सामग्री हो गई। तो इस चीज से हम इसको इस तरह से समझेंगे। और ऐसी वस्तुएं जिनके द्वारा देख के भी इंफॉर्मेशन मिलती है और सुन के भी मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स या श्रव्य दृश्य सामग्री। जैसे कि टेलीविजन, तो टेलीविजन से क्या है, उससे हमें आवाज भी आती है और उसको हम देखते भी हैं, तो दो तरह से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसी प्रकार से हमारा मोबाइल फोन हो गया, तो मोबाइल में हमें आवाज भी आती है और हमें विजुअल्स भी देखने को मिलते हैं, तो हम देख के भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और सुन के भी ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी दो तरह से हो रही है, इसमें आप सुन भी रहे हैं मुझे और मुझे देख भी रहे हैं और ब्लैक बोर्ड को भी देख रहे हैं, तो दोनों तरीके से आप जो है सुन के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसी तरह से आपका कंप्यूटर हो गया, इसी तरह से आपका जो है प्रोजेक्टर हो गया, तो लैपटॉप हो गया या आईपैड हो गया आपका, तो ये जितनी चीजें हैं वो क्या हैं, वो दृश्य श्रव्य के अंदर आएंगी, क्योंकि इनमें आप दो रूपों से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे आपका भाषा का आकलन, तो भाषा के आकलन की बात करें तो इसमें बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, या टैग वर्ड उनको आप मान सकते हो, कि ये शब्द अगर देखने को मिल रहे हैं तो वो ऑप्शन आप सही लगा सकते हैं, और इन्हीं शब्दों से आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। पहली चीज तो यह है कि जो भाषा का आकलन होता है
वो आपका निरंतर होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार कर रहे हैं। भाषा का आकलन आप डेली भी कर सकते हैं बच्चों से बातचीत करके, तो आपको पता चलता रहेगा कि बच्चा कितनी बातें सीख रहा है, कितने शब्द सीख रहा है, उसके बोलने की फ्लुएंसी कैसी है, और वो अपने विचारों को, अपने मन की बातों को कैसे बता रहा है। ठीक है, उसके अलावा विद्यालय आधारित होना चाहिए। जो भाषा का आकलन है वो विद्यालय आधारित होना चाहिए। विद्यालय आधारित का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि ये विद्यालय आधारित आकलन से अलग से भी प्रश्न बनते हैं सीडीपी में भी। तो विद्यालय आधारित का मतलब ये होता है कि वह पेपर या वह एग्जाम, वह परीक्षा जो विद्यालय के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे कि हाई स्कूल में जाके बोर्ड परीक्षा होती है हमारी, तो हाई स्कूल में क्या है, अब पेपर जो है वो आपका बोर्ड से बन के आएगा। जो आपका एग्जाम पेपर है वो आप खुद नहीं बनाते ना, वो आता है आपका बोर्ड से, तो वो हमारा विद्यालय आधारित नहीं रहा। लेकिन जब हम एग्जाम पेपर हमारे क्लास टीचर बनाते हैं, हमारे सब्जेक्ट टीचर बनाते हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही पेपर बना रहे हैं, तो वो आपका विद्यालय आधारित एग्जाम होता है। यानी कि हाई स्कूल से पहले जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आपके विद्यालय आधारित में ही आते हैं। और उसमें फायदा क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि उसमें जो है टीचर को पता होता है कि हमारे बच्चे ने कितना सीखा है, कि हमारे बच्चे का स्तर क्या है, हमारे बच्चे को हमने कितना पढ़ाया है, तो वो उसके हिसाब से जो है पेपर बनाएंगे, तो उससे जो है आकलन उनका बहुत सही तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो भाषा का आकलन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए, यह हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पढ़ाया था ये भाषा में पहले कि जब हम बच्चे का आकलन करते हैं, क्यों करते हैं बच्चे का आकलन, इसलिए करते हैं कि जो उसकी गलतियां हैं, जो उसकी त्रुटियां हैं, या कोई कमी है, या बच्चों को परेशानी आ रही है, उसका हम पता लगा सकें। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए ही जो है क्या होता है आपका शिक्षण आकलन होता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब हमें कमियों का पता चल जाता है तो उसको हम दूर करने के लिए उन्हें फिर से पढ़ाते हैं, या फिर से उन पॉइंट्स को हम रिपीट करते हैं कि बच्चा उनको फिर से सीख जाए। तो हमारा क्या हुआ, आकलन जो हुआ वो उसके बीच में आ गया, किसके, शिक्षण के और अधिगम के, यानी कि हम जो पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो सीख रहा है उस प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है कि बच्चा पूरे तरीके से सीख जाए उस चीज को। इसलिए हम आकलन करते हैं कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पे बच्चे को कठिनाई आ रही है, या बच्चे ने वो पॉइंट नहीं सीखा है, तो इसलिए हम आकलन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक हो गया हमारा। अब उसके आगे अगर बात करें तो भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है हमारा। उद्देश्य पे तो हमने पहली बात कर ली, वैसे उद्देश्य यही होता है हमारा कि हमारा शिक्षण जो है वो अच्छे से हो जाए। लेकिन उसके अलावा भी पॉइंट है कि भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अब भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन मतलब यही है, प्रयोग के अंदर जो है वो आपके चारों कौशल आ जाते हैं, बोलना भी आ गया, सुनना भी आ गया, आपका लिखना भी आ गया, और पढ़ना भी आ गया। तो इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि भाषा प्रयोग जो है वो अपने आप में एक टैगवर्ड है। भाषा प्रयोग जो है वो अपने आप में एक टैगवर्ड है। जैसे कि अगर प्रश्न आपका बनेगा ना कि भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या है, तो नीचे अगर ऑप्शन दिए होंगे ना, बच्चे के सुनने की क्षमता का आकलन करना, बच्चे की बोलने की क्षमता का आकलन करना, बच्चे के लिखने की क्षमता का आकलन करना, और एक ऑप्शन होगा भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करना, तो भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करना यही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये मैं आपको कई साल पहले से ये बात बताते आ रहा हूँ कि सीटेट में हमेशा उस ऑप्शन को चुनना चाहिए जो व्यापक हो, बड़ा हो। जैसे कि भाषा प्रयोग है तो इसके अंदर चारों सम्मिलित हो गए, इसके अंदर तो चारों चीजें सम्मिलित हो गई, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, तो ये व्यापक हुआ ना, ये बड़ा हुआ ना, तो इसको चुनेंगे आप। अब जैसे कि समाज की बात करें, तो अगर हम बात करें घर, परिवार, माँ बाप, तीन ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, और मैंने चौथा ऑप्शन दिया समाज। तो ये जो तीनों चीजें हैं, मेरा घर समाज के अंदर है, मेरे परिवार समाज में रहता है, मेरे माँ बाप समाज में रहते हैं, तो समाज बड़ा हुआ या परिवार बड़ा हुआ, समाज बड़ा हुआ, तो हमेशा समाज को चुनो। तो कुल मिला के यही इसकी एक ट्रिक भी है, एक बेस भी है सीटेट एग्जाम का, कि हमेशा सीटेट के एग्जाम में व्यापक ऑप्शन को चुनना चाहिए, जो बड़ा हो उसको चुनना चाहिए। बस शर्त यह है कि प्रश्न पॉजिटिव होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न में नहीं लिखा हो कि कौन सा ऑप्शन गलत है और आप फिर भी वो इसी को चुन के आ रहे हो, तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये बेस पॉइंट है कि हमेशा बड़े कथन को चुनना चाहिए। तो भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना जो है वो हमारा आकलन करने का उद्देश्य होता है। उसके अलावा भाषा आकलन के लिए पोर्टफोलियो जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये उपयोगी होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर जो है सारे रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे के,
बच्चे ने किस दिन कितने नंबर लाया है, कौन सा चित्र बनाया बच्चे ने, कौन सी कहानी सुनाई है, तो सारी चीज़ें, सारे रिकॉर्ड्स जो हम इकट्ठे करके रखते हैं वो सारे पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी है, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं। पोर्टफोलियो क्या है ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, आगे ऐसे टीचर अकेडमी लिख लेना, पहला नंबर वीडियो आएगी, देख लेना, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ हिंदी का नहीं है, ये आपका CDP में भी आता है, मैथ पैडागोजी में भी आता है, इंग्लिश पैडागोजी में भी आता है, नाम बदल जाता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर देते हैं, और आपका ये सभी सब्जेक्ट की पैडागोजी के लिए है, क्योंकि आकलन जो होता है, परीक्षण को आकलन भी कहते हैं, वो सभी में होता है, सभी सब्जेक्ट में। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपका सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। देखिए, निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको मैं भूल गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, निदानात्मक परीक्षण को। और तो इसकी हम बात करें तो जो इसका वर्ड है पहला निदान, तो निदान के मतलब से ही इसको हम समझ सकते हैं। निदान का मतलब होता है पहचान करना, क्या होता है, पहचान करना, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम रेमेडियल टीचिंग, इसको बोल रहे हैं, यहां लिख देता हूं अलग से, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में भी आपको नाम पता चल गया है, कॉन्सेप्ट हिंदी में समझेंगे। निदान का मतलब होता है आपका पहचान करना। तो इसके आगे लिखा है परीक्षण, यानी कि कुल मिलाकर यह है कि वह टेस्ट या वह परीक्षा या वह परीक्षण जिसके द्वारा बच्चे की त्रुटियों की पहचान की जाती है, या बच्चों की कमियों की पहचान की जाती है, या बच्चे की मुश्किलों की पहचान की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। वो पहचान कैसे करते हैं उसको समझते हैं। मैंने आपको कोई पाठ पढ़ाया, या मैं एक टीचर हूं और मैंने बच्चों को, मेरे कक्षा 5 के बच्चे हैं, मैंने उनको एक पाठ पढ़ाया, और फिर मुझे ये जानना है कि क्या बच्चे उस पाठ को पूरी तरह से समझ गए हैं या कहीं पे कोई कमी रह गई है। तो अगर मुझे ये जानना है तो मैं क्या करूंगा, उनका एक टेस्ट लूंगा हैंड टू हैंड। अभी मैं क्लास से गया नहीं हूं, ये भी ध्यान रखना, ये भी कॉन्सेप्ट है इसका, कि ये जो परीक्षण होता है वो उसी पीरियड में होता है जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। अगर आपका 30 मिनट का पीरियड है तो आप 25 मिनट पढ़ाइए और लास्ट के जो 5 मिनट है उसमें उसका परीक्षण लीजिए। उसी परीक्षण को निदानात्मक परीक्षण कहते हैं कि बाद में नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया बच्चे को और बच्चों का मुझे परीक्षण लेना है, मुझे ये पता करना है क्या ये पूरा सीख गए या नहीं सीखे। तो नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, हाँ भाई सबको समझ में आ गया, बच्चे हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ समझ में आ गया, टीचर चला जाता है। जबकि ये तरीका गलत है, आप ऐसे नहीं पूछेंगे, बच्चों से बातचीत कीजिए, बच्चों से प्रश्नोत्तर कीजिए, बच्चों से प्रश्न पूछिए कि इस सवाल का जवाब दो, तो तब आपको पता चलेगा कि वाकई में बच्चों ने सीख लिया है या नहीं सीखा है। तो वो कई तरीकों से हो सकता है, एक तो बोल के हो सकता है कि आपने बच्चों से मौखिक टेस्ट ले लिया कि किसी से भी सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, बच्चों से आप सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं, एक तो ये तरीका है। या फिर आप लिख के ले लीजिए, आप एक पेपर पे 5 प्रश्न बनाइए छोटे छोटे से, जो आपने पढ़ाया है पाठ उसी के बारे में, और आप बच्चों से कह दीजिए सभी लोग जो है इसका आंसर करें, तो उस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि बच्चों ने सीख लिया है या नहीं सीखा है। अब जब आप वो टेस्ट ले रहे हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि बच्चे कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं, तो उन गलतियों की पहचान आपको हो जाएगी। अब उन गलतियों की पहचान करने को ही क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। ये जो मैंने टेस्ट लिया है इसी को निदानात्मक परीक्षण कह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर के हम पास जाते हैं तो हम आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी का पता कैसे लगाएगा, वो आपका टेस्ट करता है, तो उसी को तो हम निदान कहते हैं, है ना। अब उसके आगे बढ़ते हैं, आपको इतना तो पता चल गया कि गलतियां हुई हैं या बच्चों को कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, अब क्या करेंगे आप, उसका उपचार करेंगे। और उपचार का क्या मतलब होता है, ठीक करना। उपचार वर्ड सुना है ना आपने, डॉक्टरी में हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है खांसी का उपचार ये है लिखा होता है ना, मतलब खांसी को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप। तो इस तरह से अगर बात करें तो उपचार का मतलब हुआ ठीक करना और शिक्षण का मतलब हुआ पढ़ाना, ठीक है। तो यहां पे जो आपने पहचान करी है जिन गलतियों की,
अब उन गलतियों को ठीक करने के लिए जो आप टीचिंग करते हैं उसी को क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। क्लियर है? अब ये उपचारात्मक शिक्षण जो है आप हैंड टू हैंड भी कर सकते हैं, अगले दिन भी कर सकते हैं, वो आपके मन से है, ठीक है। अगर टाइम बच रहा है, जैसे कि आपका आधे घंटे का पीरियड था, आपने 15 मिनट पढ़ाया, 5 मिनट टेस्ट लिया, 10 मिनट बच गए आपके, तो उस 10 मिनट में आप उपचारात्मक शिक्षण कर लीजिए, जो गलतियां हैं उनको सुधार लीजिए, बता दीजिए बच्चों को। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है, आप घर से तैयार करके लाइए, कल को पढ़ा दीजिए अगले दिन, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करेंगे तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि बच्चे की कमियों, त्रुटियों, कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण है, उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए शिक्षण करना उपचारात्मक शिक्षण है, रेमेडियल टीचिंग है। क्लियर है? और आपके जो बनते हैं प्रश्न, वो प्रश्न भी इन्हीं शब्दों में बनते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि निदानात्मक परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन दिए होंगे आपको, निदानात्मक परीक्षण जो है वो साल में 2 बार होता है, निदानात्मक परीक्षण जो है वो हफ्ते में 1 बार होता है, या निदानात्मक परीक्षण जो है वो आपका कभी भी नहीं होता, या कोई भी ऑप्शन हो सकता है। और एक ऑप्शन ये होगा आपका कि निदानात्मक परीक्षण जो है वो बच्चे की कठिनाइयों या कमियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपको पता है कौन सा सही, भाई कठिनाइयों का पता लगाना, तो जहां पे भी पहचान करना, पता लगाना त्रुटियों को, त्रुटियों के बारे में, तो उसको हम क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण। अब यहाँ पे वो कंफ्यूज करता है आपको, जो आपका एग्जाम बना रहा है वो आपको कंफ्यूज करेगा, और वो ये देगा कि इसी ऑप्शन में कि बच्चे की कठिनाइयों को, कमियों को दूर करना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, ऑप्शन गलत है, ध्यान देना इस चीज पर ध्यान से। अगर आप सिर्फ इसी वर्ड पे सही लगा के आगे ना कि बच्चे की कमियां त्रुटियां दिख रही हैं हमें, आगे लिखा है उनको दूर करना, और आपने सही लगा दिया, आपका गया 1 नंबर, क्योंकि दूर करना उपचारात्मक शिक्षण है, सिर्फ पता लगाना परीक्षण है, सिर्फ पता लगाना, कमियों का पता लगाना या पहचान करना, ये है आपका निदानात्मक परीक्षण। अगर उसके आगे वर्ड ये आ गया कि उन कठिनाइयों को या बच्चे की परेशानियों को दूर करना, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका उपचारात्मक शिक्षण और ठीक करना। एक प्रश्न उपचारात्मक शिक्षण के बारे में ये बनता है कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में नीचे ऑप्शन दिए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो वहां पर लिखा होगा उपचारात्मक शिक्षण जो है निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे, इसके बाद ही होगा, पहले तो पता लगाएंगे फिर करेंगे, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? इससे ज्यादा और क्या क्लियर होगा? चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टैग वर्ड्स लिखे हैं मैंने, नए हैं थोड़े से, जो नई चीज़ें जुड़ रही हैं एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में, उसके हिसाब से हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन आते हैं, प्रश्न जो आते हैं इस प्रकार से आता है, भाषा की कक्षा में खेल की क्या उपयोगिता है, ऐसे प्रश्न बनता है, या भाषा की कक्षा में खेल खिलाने का क्या लाभ है, ऑप्शन में आपको मिलेगा अधिगम को विस्तार देता है खेल, या फिर अधिगम में रुचि बढ़ाता है, ठीक है, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए भी फायदेमंद है। तो इस तरह के ऑप्शन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो ऑप्शन आप सही लगा सकते हैं। एक प्रश्न आपका बनता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहेलियों को क्यों सम्मिलित किया जाता है, ये प्रश्न बनता है। आपने प्राइमरी की अगर देखी है बुक, तो उसमें होती है वर्ग बनाना, इस तरह से पहेलियां दी होती हैं, तो आपका सीधा प्रश्न बनता है और ये आता है प्रश्न, इग्नोर मत करना, पहेलियों का वर्ग पहेलियों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है, पहेलियां या वर्ग पहेलियां क्यों सम्मिलित की जाती हैं या उनका क्या लाभ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक ही वर्ड है चिंतन, ये जो चिंतन है ना, ये वर्ड आपका बहुत पॉजिटिव है। अगर ये प्रश्न आता है तो वहां पे ऑप्शन में लिखा होगा बच्चे के काल्पनिक चिंतन को बढ़ावा देता है, ठीक है, या बच्चे के संज्ञानात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, बच्चे के परिकल्पनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, ये ऑप्शन आपके सही होंगे वहां पे। तो कल्पना करना, बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है, बच्चे की सृजन शक्ति को बढ़ावा देता है, बच्चे की सृजनात्मकता बढ़ाता है, ये इस तरह के वर्ड जो होंगे वो आपके सही आंसर होंगे, क्योंकि पहेलियां जो हैं, पहेलियों में होता यही है भाई, हमें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, इस ऑप्शन इस बॉक्स में क्या आएगा, तो थोड़ी कल्पना बच्चा करेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा,
और उस एक समस्या को सॉल्व करने के लिए कई तरीकों से सोचेगा बच्चा। तो जब कई तरीकों से सोचेगा, सृजनात्मकता बढ़ेगी बच्चे की, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है इस प्रश्न के लिए। अगर पहेली के बारे में, अगर प्रश्न आता है आपका रंगीन चित्रों के बारे में कि पाठ्य पुस्तक में या भाषा की पाठ्य पुस्तक में रंगीन चित्र और बड़े अक्षर क्यों सम्मिलित किए जाते हैं, यह प्रश्न बनेगा कि रंगीन चित्र और बड़े अक्षरों का क्या लाभ है। तो ये है लाभ, बच्चे की सृजनात्मकता बढ़ाता है, बच्चे की रुचि बढ़ाता है पढ़ने में, क्योंकि चित्रों में बच्चों की रुचि होती है। तो चित्र होंगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े, तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे। कलात्मक अधिगम हो जाएगा आपका, यानी कि कला भी सम्मिलित है चित्रों में। बाल केंद्रित वातावरण आपका बनाएगा, क्योंकि जब बच्चे रुचि लेंगे, बच्चे मजे लेंगे तो इंक्लूड रहेंगे, बच्चे आपके सक्रिय रहेंगे, और जब बच्चे सक्रिय रहेंगे तो आपका बाल केंद्रित वातावरण बन गया। अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देता है, अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में, क्योंकि ऐसी संकल्पनाएं जिस जो सामने नहीं है, जैसे कि हमें हाथी के बारे में पढ़ाना है बच्चे को, तो हाथी क्या है, एक अमूर्त संकल्पना होगी, क्योंकि हाथी कक्षा में तो ला नहीं सकते आप। ऐसा तो नहीं है कि हाथी पकड़ के लाए कक्षा में, स्कूल में हाथी लेके आ गए फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये हाथी है, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हाथी का चित्र दिखाते हैं। तो जो चित्र है वो क्या कर रहे हैं, हमें अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में मदद कर रहे हैं। जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी क्लास को जो है ताजमहल ले गए या ताजमहल को उठा के क्लास में ले आए, तो हम क्या करेंगे, ताजमहल का चित्र दिखाएंगे। तो चित्र से जो ऐसी संकल्पना है जो हमारे सामने नहीं है, उसको हम बच्चे को समझा पा रहे हैं, तो हमें अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने में मदद कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये टैग वर्ड है इसके, यही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, इनको देख के आप आंसर सही लगा सकते हैं। बाकी मैं कॉन्सेप्ट भी समझा ही रहा हूँ आपको कि क्यों है ये टैग वर्ड, क्यों सही है, वो भी मैं आपको समझा ही रहा हूँ साथ साथ। जो बच्चे की त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, इसके बारे में प्रश्न बनता है, अभी भी आया था 2021 में भी बहुत प्रश्न बने हैं त्रुटियों के बारे में। तो बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, वो स्वाभाविक होती हैं और सार्वभौमिक होती हैं, यानी कि सभी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बच्चा कर रहा है, आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे सब गलतियां करेंगे। बस इतना हो सकता है कि सब अलग अलग प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, कुछ गणित में गलतियां कर रहे हैं, कुछ आपके जो है हिंदी में गलतियां कर रहे हैं। तो गलतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन करेंगे सब। तो इस पे जो है एक जीन प्याजे ने एक लाइन बोली थी, नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन याद आई मुझे, उन्होंने ये बोला था कि अगर आपने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, अगर आपने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, तो आपने अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होंगी, एक बार नहीं होंगी, 10 बार होंगी, 100 बार होंगी, गलतियां करके ही सीखेंगे। तो जो गलतियां हैं वो सीखने का संकेतक है, ठीक है, सीखने का ही हिस्सा है। यानी कि जो गलतियां बच्चा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है और इसको सुधारी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि गलतियां जो बच्चा कर रहा है वो हमेशा ही रहेंगी, उनको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है कॉन्सेप्ट। अगर आए समूह कार्य के बारे में प्रश्न कि बच्चों को समूह कार्य क्यों दिया जाता है, या समूह कार्य देने का क्या फायदा है, क्या लाभ है, तो देखिए भाषा सीखने में सहायक होते हैं, बोलने सुनने की क्षमता बढ़ती है, चिंतन बढ़ता है, सृजनात्मकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे समूह में काम करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा, बच्चा भाषा सीखेंगे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से नए नए शब्द सीख रहे हैं, तो भाषा सीखने में सहायक है। बोलने सुनने की क्षमता बढ़ रही है, बच्चे बातचीत करेंगे दूसरे से, दूसरे की बात को सुनेंगे, अपनी बात बोलेंगे, तो बढ़ रही है। सोचने की क्षमता भी बढ़ती है बच्चे की, जैसे सामने वाले ने कोई प्रश्न किया तो अब बच्चा क्या करेगा, कुछ सोच के उसके आंसर करेगा, तो आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ रही है, बच्चे की सृजनात्मकता भी बढ़ रही है उसमें, ठीक है। अब अगर बात करें भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए ये तीन ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टैग वर्ड भी ऐसे हैं जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर भाषा सीखने के बारे में कोई भी प्रश्न आता है, तो ये तीन ऑप्शन है। प्रिंट समृद्ध परिवेश, प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब ये होता है ऐसा परिवेश जहां पे बच्चे को भाषा सीखने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाते हैं, उसको बोलने समझने के, बोलने सुनने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंट समृद्ध माहौल कहते हैं, ठीक है। सामाजिक अंत्यक्रिया या गतिविधियां, तो सामाजिक अंत्यक्रिया का मतलब ये है कि बच्चा एक दूसरे के साथ में कार्य कर रहा है, दूसरे बच्चे के साथ बात कर रहा है, खेल रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उससे भी क्या है, भाषा सीखी जाती है। तो सामाजिक अंत्यक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपनी भी बात करें तो हम दिन भर में कितने लोगों से बातचीत करते हैं, तो उससे क्या है, हमें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं, नए नए विचार। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें
बात विचारों पे आ जाती है कि हमें नए नए विचार सीखने को मिल रहे हैं, है ना। और बाल साहित्य, बाल साहित्य में वही चीज़ आती है, आपकी किताबें भी हो गई, आपके चित्र भी हो गए, आपके कॉमिक्स बुक हो गई, कहानियाँ हो गई, कविताएँ हो गई, ये सब चीज़ें किसमें आ जाती हैं, बाल साहित्य में आ जाती हैं। तो बाल साहित्य भी भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मदद करता है, ठीक है, और ये प्रमाणिक भी है बाल साहित्य। अब इनमें से एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, और वो ये है, ऐसा कभी होता नहीं है ऐसे कि ये तीनों ही ऑप्शन एक ही प्रश्न में आ जाए। लेकिन अगर आ जाए किसी वजह से, अगर एक ही प्रश्न में ये तीनों ऑप्शन आ जाएं, तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। जैसे अभी ऐसा ही एक पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताया था, अब बता रहा हूं कि अगर किसी वजह से ये दो ऑप्शन आ जाएं और दो कोई अलग से आ जाएं, तो आप सोचोगे कि तो दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन लगाए, तो इन दोनों में अगर तुलना करोगे तो पहला वाला ऑप्शन सही लगा देना, ठीक है। क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया भी समाज के अंदर ही तो हो रही है, तो परिवेश बड़ी बात है, यानी कि हम बड़ी चीज को चुनते हैं, तो आप पहले वाले ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक है। बच्चे जन्म से ही बहुभाषिक होते हैं, ये तो आप सबको पता है, तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फटाफट से। आगे बढ़े, आगे है आपका ये और पॉजिटिव टैग वर्ड है कुछ ऊपर के, जैसे कि अवसर है, प्रोत्साहित करना है, मातृभाषा को स्वीकारना, वो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ बहुभाषिकता पढ़ाते समय, व्यापक कथन को चुनना चाहिए जैसे कि समाज, ये भी मैंने आपको बता दिया है शुरू में ही, अभी उसी पे बात चल रही थी। तो इन चीजों का ध्यान रखें आप प्रश्न को सॉल्व करते समय। और ये कुछ निगेटिव टैग्स हैं, टैग वर्ड्स हैं कि ये अगर ऑप्शन में देखेंगे तो वो ऑप्शन आप उसको हटा सकते हैं, मतलब वो निगेटिव होगा। जैसे कि सुंदर लिखावट, तो लिखने में जो है वो सुंदर लिखावट महत्वपूर्ण नहीं होती, आप किस तरह से अभिव्यक्ति कर रहे हैं, कौन से शब्द लिख रहे हैं, आपके विचार कैसे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सुंदर लिखावट, अगर मान लीजिए किसी ने जो है, ऐसा पहले होता था हमारे टाइम पे कि जैसे हम प्रश्न का आंसर लिखते थे तो जिस बच्चे की राइटिंग सबसे अच्छी होती थी ना, उसको ज्यादा नंबर मिल जाते थे, अब उसने लिखा कुछ भी हो जाए, तो ये बहुत गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप किसी को राइटिंग पे नंबर दे रहे हैं, राइटिंग पे नंबर नहीं देने चाहिए, बच्चे ने लिखा क्या है वो महत्वपूर्ण है, कि उसके विचार क्या है, विचार महत्वपूर्ण है, ठीक है, सुंदर लिखावट महत्वपूर्ण नहीं है। याद करना, कंठस्थ करना, रटना, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। वैज्ञानिक शब्दावली का यूज करना, यानी कि बहुत हार्ड वर्ड यूज कर रहे हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आम भाषा में बात कीजिए, बच्चे की मातृभाषा में बात कीजिए। पुस्तक के ज्ञान पर बल देना, ये गलत है। प्रैक्टिकल ज्ञान पर बल दो, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाओ, ठीक है। ये बाधा जटिलता, ये मैंने आपको भी पढ़ाया था उसमें बहुभाषिकता में, ये निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। केवल, मात्र, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बात करें, भाषा केवल समाज में सीखी जाती है, भाषा केवल परिवार में सीखी जाती है, या भाषा केवल स्कूल में सीखी जाती है, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। भाषा तो हर जगह सीखी जाती है, ऐसा थोड़ा है कि केवल एक जगह सीखी जाएगी भाषा, तो जहाँ जाएंगे आप वहाँ सीखेंगे, आप ऑफिस में गए वहाँ भाषा सीखेंगे, आप कहीं रेलवे स्टेशन पकड़ेंगे वहाँ पर इतने सारे बोर्ड लिखे होते हैं वहाँ पर आप भाषा सीख रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, पढ़ रहा है कहीं पर, किसी बस के पीछे बच्चा खड़ा है वहाँ पर कुछ लिखी हुई लाइन है उसको पढ़ रहा है बच्चा, वहाँ पे भाषा सीख रहा है, भाषा किसी एक जगह नहीं सीखी जाती, तो इसलिए केवल वाला वर्ड हमेशा गलत होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के कुछ कथन हैं, तो ये प्रश्न में आ जाते हैं कि भाषा के बारे में चॉम्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिया है, अब आपको छांटना होगा, तो इनको याद रखना। पावलोव और स्किनर जो है, इन्होंने नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है, ये कथन बोला है स्किनर ने और पावलोव ने। चॉम्स्की ने जो बोला है वो आप सबको याद है, बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है, ये बोला है चॉम्स्की ने। प्याजे ने बोला है भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ठीक है, तो ये बोला है आपके प्याजे ने। वाइजुत्स्की ने बोला है बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, तो वाइदोत्स्की तो हमेशा जो है समाज के बारे में बोलते हैं और प्याजे हमेशा संज्ञान के बारे में बोलते हैं, तो ये तो आपको याद ही होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, जिन लोग कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं, बस मैं एक दो बातें और बताऊंगा आपको। तो हिंदी पैडागोजी आपकी खत्म हो गई है, और रही बात प्रैक्टिस की, तो आज रात को 8 बजे हिंदी पैडागोजी की पूरी लाइव क्लास चलेगी, जिसमें प्रश्नों को
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। आज में आपकी हिंदी पैडागोजी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए होंगे वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं 8532855503। नोट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा है, जितना यहाँ पढ़ा रहा हूँ इससे ज़्यादा है, और लिखित में है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, उसमें वो चीज़ें भी आपको बहुत सारी देखने को मिल जाती हैं। इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें हैं। कई बार लोग ये बोलते हैं कि सर नोट्स पढ़ लूँ तो काम हो जाएगा। नोट्स आप पढ़ लीजिए तो आपको कंटेंट तो मिल जाएगा, नोट्स में से ही आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा तो आपको पूरा मिल जाएगा, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ फायदेमंद नहीं है, नोट्स में से ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बनेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नोट्स में आपने पढ़ तो लिया लेकिन वो चीज़ आपको समझ अगर नहीं आई किसी वजह से तो आप क्या करेंगे, तो इसलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए वीडियो देखना, नोट्स पढ़ना दोनों ज़रूरी है। किसी एक के बल पे जो है आप बात करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे खतरा हो सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ दोनों चीज़ें लेके चलो, आपका 100% सीटेट क्रैक होगा, ठीक है। और मैंने एक वीडियो डाली थी परसों, तो उसका नाम था सीटेट पैडागोजी ट्रिक, तो उसको आप जो है सभी लोग जो है देखें, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे लिख के सीटेट पैडागोजी ट्रिक, उसमें मैंने कुछ नई चीजें ट्रिक वाली बताई थी आपको, और आगे 2022 ये लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर एक वीडियो मिलेगी चैनल पे हमारी, तो वो वीडियो देखें आप। तो उसमें मैंने आपको पूरी पैडागोजी सॉल्व कैसे करते हैं, बेस क्या है पैडागोजी का, सभी सब्जेक्ट के लिए बनाई थी कॉमन एक वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है वो, वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इसी तरह से नई नई, और बीच में एक्चुअली आप सबको पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और इस वीडियो को डालने के बाद भी 2 दिन का गैप हो गया क्योंकि मुझे फीवर था बहुत तगड़ा वाला, यहाँ तक कि मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश भी की थी, यही वीडियो मैंने उस दिन 13 मिनट की रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद मेरे से बोला ही नहीं गया, बहुत तगड़ा वाला फीवर था, फिर मेरे साथ ऐसे ही रहा, मैं दवाइयाँ वगैरह लाया फिर तब जो है ये लेट हो गई वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप कोशिश मैं करूँगा हर रोज़ आपको ये एक वीडियो ये मिलेगी और लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।